तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है, बहुत बहुत मजा आएगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मंडे को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। सरकारी संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाने का आक्रामक दौर शुरू हो। बेचना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, कहने में भी नहीं। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही। इसलिए इसके लिए नई शब्दावली आई है, मुद्रीकरण की, मोनिटाइजेशन की। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। नीति आयोग के सीईओ समझा रहे थे कि सरकार के पास अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे पैसे बनाकर नए प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नहीं बता रहे थे कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं उसके कारण सरकार पर कितने लाख करोड़ के कर्जे हो गए हैं। ये बातें बताई नहीं जाती। लिस्ट इतनी लंबी है कि बकायदा किताब छापी गई है। आपको बिग बाजार के मेगा सेल टाइप के इवेंट की याद आ सकती है। अरे मैनेजर जी, ये कैबिन किसकी है? ये आपके बड़े बहन से विक्की ओबेरॉय की है। विक्की ओबेरॉय की है, बेच मारो इस कैबिन को जी। इसके पैसे जो है हमारे नए बैंक के नए अकाउंट में डाल जी। मुख्य रूप से परिवहन, रेलवे और पावर की परिसंपत्तियों को निजी हाथ में सौंपकर लाखों करोड़ों के लक्ष्य रखे गए हैं। ये कैबिन किसकी है? ये आपके दोनों चाचाओं की है, बेच मारो इसको जी। और इसके पैसे जो है आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का रखरखाव प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। हिंदी में समझें कि टोल नाके बढ़ाए जाएंगे, आपको ज्यादा टोल टैक्स देने होंगे। ये भगवान क्या जुलुम है। गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन को भी निजी हाथों में दिया जाएगा। ये दो कैबिन किसकी है? ये टॉयलेट्स है सर, बेच मारो उनको जी। लेकिन सर वो स्टाफ जाएंगे कहाँ? अरे क्या स्टाफ, सुबह घर के नहीं आते? हमारा ही ऑफिस गंदा कर रहा है, उनको बोलो म्युनिसिपैलिटी। वेयर हाउसिंग संपत्तियों को भी निजी क्षेत्र में के हाथों दिया जाएगा। यहाँ तक कि पब्लिक सेक्टर के गेस्ट हाउस तक को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देने की बात है। बड़ी तेजी से सरकारी कंपनियां बिक रही हैं। LIC बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, BPCL बेच डाला, BSNL बेच डाला, यहाँ तक कि रेलवे भी बेच डालने की योजना कर रहे हैं। ठीक है, जरूर जरूर। 25 एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल करने के लक्ष्य रखे गए हैं। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई, तो बेच मारो उसको और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। BSNL के लगाए 14,917 मोबाइल टावर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 3,00,000 किलोमीटर से अधिक लंबी फाइबर लाइन भी सौंप कर 35,000 करोड़ से अधिक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अरे राज बेटा, तुम बेच मारो उनको, कौन नहीं है। क्या पूर्ण रूप से बिक्री कहने से बचने के लिए ये बेचने की दिशा में कोई नया कदम है? विनिवेश और मुद्रीकरण में फर्क होता है, लेकिन ये सारे रास्ते पहुंचते वही हैं जहां निजीकरण का लक्ष्य पहले से मौजूद होता है। लेकिन 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने साफ साफ समझा दिया था, और उसे ही याद रखिए कि इसका मतलब एक ही है। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे, लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं
उसकी मालिक बनी रहे। आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। वित्त मंत्रालय ने 6 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है इसके जरिए। फरवरी में ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि यह गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, वापस नहीं आने वाली है। इसलिए 4 साल बाद क्या होगा ये किसे पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है और मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, अरे आज तक कोई बदला नहीं है। रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुआत नहीं है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 256 गुड्स शेड्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 पर्वतीय रेलवे, ये भी ठीक है। कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, पूरी फैमिली का एक फर्नीचर बेच डालता, एक गलीचा बेच डालता, वो कमोड होता ना, वो कमोड भी बेच डालता मैं। ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे, लेकिन आप इसे बेचना ना समझें। वाह क्या सीन है। सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्रीकरण ही समझें। ये अच्छी बात नहीं है, इंसाफ और अदल नहीं है। 15 रेलवे स्टेडियम निजी सेक्टर को दिए जाएंगे। रेलवे के अलावा 2 नेशनल स्टेडियम और 2 रीजनल सेंटर भी हैं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। साले को खोपड़ी तो साले। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता। चुप। और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, कुछ भी भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा। माँ हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सरकार विनिवेश के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी। एयर इंडिया के बेचे जाने का उदाहरण सबके सामने है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं ही बदमाश हूँ। अच्छा। जी क्या स्टेडियम के उदाहरण से हजारों किलोमीटर लंबी सड़कों और लाखों टन अनाज की रखरखाव वाले भंडार गृहों को निजी हाथों में सौंपना किसी भी तरह से निजीकरण नहीं है। क्या इसीलिए कृषि कानूनों में बदलाव नहीं किया गया कि वहां पर अब भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी, जिसका विरोध किसान कर रहे थे। 1 साल बाद किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं
और सरकार ने उनकी बात को ही एक तरह से साबित किया है। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। आई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।